हेलो दोस्तों, मैं हूँ पायल वर्मा। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बीजांग के माध्यम से हम एडिशन का जो आंसर आएगा, जोड़ेंगे उसको उत्तर आएगा वो सही है या नहीं, ये बीजांग के माध्यम से हम उसको जांच करेंगे। ठीक है, ये जोड़ना दिया गया है, इस सभी नंबर को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें उसके उत्तर आएगा उसकी जाँच करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इधर पूरे नंबर को लिख लेंगे 3 4 6 9 2 2 2 0 1 2 3 9। ये सभी नंबर को हम ऐड करेंगे। इधर इसका बीजांक को हम यहाँ लिखेंगे, इसके बीजांक को यहाँ, इसके बीजांक को यहाँ। बीजांक कैसे निकालते हैं हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। बीजांक हम इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे, 9 6 15 15 4 19 19 और 3 होता है 22 22। ठीक है, इसका 22 आया, 22 और 22 अभी दोनों को ऐड करेंगे तो इसका बीजांक क्या आ जाएगा, 4। ये पूरे नंबर का बीजांक आया 4, इस नंबर का बीजांक आएगा 22 4 4 2 6 6 0 6, मतलब यहाँ इसका बीजांक आ जाएगा 6। इसका बीजांक क्या आएगा, 9 1 10 10 5 15 15, 15 ऐसे नोट किया जाता है, लिखा जाता है। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 6, इसका बीजांक आ जाएगा 6, इसका बीजांक 4, इसका बीजांक 6, इसका बीजांक 6। अब इन बीजांकों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे उसका बीजांक कितना आएगा वो लिखेंगे, 6 6 12 12 और 4 होता है 16 16 16 का बीजांक क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। वैसे इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसका बीजांक निकालेंगे, उसका भी बीजांक 7 आ रहा है आएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। ठीक है, 9 9 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 7 2 8 7 2 9 9 3 12 9 3 12 का 2 1 कैरी, 4 4 8 8 और 1 9 3 3 6। इसका हम बीजांक निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 8 2 10 10 9 19 19 और 6 25। ठीक है, इसका है 25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से इसका बीजांक कितना जाएगा, 7। इस तरह से इसका बीजांक और इसके अलग अलग नंबर्स का जो बीजांक निकाले हैं उसके एडिशन निकालेंगे, उसका बीजांक, दोनों का बीजांक सेम आ रहा है, मतलब यह है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अब देखते हैं घटाना, सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे। 7 8 1 6 में 3 0 5 4 को माइनस करेंगे और इधर इसका बीजांक को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बीजांक को यहाँ, 6 8 14 14 और 1 15 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 22 मतलब 22। इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 4। इसका बीजांक निकालते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 12, इसका बीजांक हो जाएगा 3। यहाँ पर माइनस है इसलिए 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। इसका बीजांक आया जाएगा 10 10 आया, इसका बीजांक अब 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका बीजांक आ जाएगा 1, मतलब इसका बीजांक भी 1 आ रहा है और इन दोनों का भी 1 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर आया है माइनस करने पर जो आंसर आया है वो करेक्ट है।